सारे फ्रेंड्स मुझसे डरते थे बिकॉज मैं बहुत मारती थी सबको, और मेरे ज्यादातर दोस्त थे सब 20। मैं तब से आप सभी को लीना कुल से मैं आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे। जैसा कि आपको पता है बाल दिवस है, हर बच्चे हर लोगों को आज अपना बचपन याद आता है, मुझे भी याद आ रहा है ना वैसा करके। ओके हाय, मैं हूँ लीना चमानी और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और जैसे कि आज चिल्ड्रंस डे है तो आई एम श्योर सबको अपना बचपन याद आता होगा। यू नो व्हाट, मुझे भी मेरा बचपन याद आता है। सी दिस, ये डॉल। मैं बचपन में ना डॉल, टेडी बियर्स इन सबके साथ बहुत खेलती थी, और मौका मिलती लाइक रात को सोना होता तो इनको हक करके सोती थी, इनको मेकअप करती थी। मेकअप का तो बचपन से ही शौक था, इनको नहीं किया हुआ है, पर मैं हाँ आई शेडो आई लाइनर उस वक्त भी करती थी और लिपस्टिक भी लगाती थी। अभी क्या, अभी थोड़ी समझदार हो गई तो टेडी बियर खराब नहीं करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ इसलिए मैं टेडी बियर गुड़िया को खराब नहीं करती हूँ, वरना अभी भी मुझे शौक होता है कि इसका नोज लाल कर दूँ, इसकी आंखें लाल पीली कर दूँ, इसको क्लिप लगा दूँ। एक्चुअली मेरे पास एक शिज़ू भी है, उसको मैं क्लिप लगाती रहती हूँ, लिपस्टिक भी लगा के भाग जाती हूँ। चलिए, अगर लीना से जाना चाहें कि बचपन में उनको किन किन खिलौने से ज्यादा लगाव था और हमेशा अपने पास रखना चाहती थी उस खिलौने को, और बेस्ट फ्रेंड के तौर पर जानती थी। वैसे खिलौने का तो मुझे ज्यादा नहीं पता, पर हाँ मैं छोटे पपीज को बहुत पसंद करती हूँ। लाइक गली के जो पपीज होते हैं ना, मैं हमेशा उनको उठा के लेके आती हूँ। लाइक ये देखो, अभी भी यहाँ पे भी है मेरे साथ। तो मैं हमेशा उनको उठा के लेके आती थी, पहले खुद पूरी तैयार होती थी, लहंगा पहनती थी, मेकअप करती थी, बाल बनवाती थी मम्मी से, फिर जाके गली के कुत्ते को, छोटे से पपी को लेके आते, फुल वॉल्यूम में टेप चला के उनके साथ नाचती थी मैं। ऐसा बचपन का बातें हैं जो शेयर करना चाहेंगी, और कोई बचपन की दोस्ती जो अभी भी है आपके साथ, कोई ऐसा चीज शेयर करना चाहेंगी? बचपन की दोस्ती तो अभी नहीं है मेरे साथ, पर हाँ बचपन में मैं बहुत लड़ाकू थी और बहुत जिद्दी थी। लाइक मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो मम्मी पापा को उठा के भी मुझे लेके जाना है, और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे डरते थे बिकॉज मैं बहुत मारती थी सबको, और मेरे ज्यादातर दोस्त थे सब 20-22 साल के। एक स्टोरी है, मैं जब आई थिंक 4 साल की थी या हाँ 2.5 साल की, सॉरी 2.5 या 4 साल की, और MP में रहते थे हम लोग, एक 22 साल के लड़के ने मुझे कहा कि तू ना बहुत बोलती, मैं तेरी जुबान काटता हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं घर गई, मम्मी सब्जी काट रही थी, उससे चाकू लिया और उससे पीछे भाग पड़ी कि तू क्या मेरी जुबान काटेगा, रुक मैं तेरी जुबान काटती हूँ। और पूरी सोसाइटी मुझे रोकने में लगी थी, नहीं रोको इस पागल बच्ची को, रोको। कोई ऐसा बचपन का सॉन्ग या कविता या पोएम जो अभी भी तक आपको याद है, दूसरों को सुनाती है, बच्चों को सुनाती है? हाँ, मुझे स्कूल की एक पोएम याद है, वो थी चब्बी चिक्स डिम्पल चिन रोजी लिप्स टीथ विद इन कर्ली हेयर वेरी फेयर आईज आर ब्लू लवली टू टीचर्स दैट यू यस 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 यस, ऐसे कुछ था, प्रॉपर याद नहीं है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अपने आज जब बच्चों को आप देखती हैं, जो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आज खास चिल्ड्रंस डे के खास मौके पर? मुझे ना मस्तीखोर बच्चे बहुत पसंद है, एंड आई थिंक उनको मस्ती करने देना चाहिए बिकॉज बड़े होने के बाद बहुत रिजर्व रहना पड़ता है सबको, इनके साथ ये करूँ नहीं करूँ। वैसे मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो जब भी करना होता है मैं तो वही करती रहती हूँ, और इसलिए मुझे लोग बोलते अभी भी बच्ची है, पर हाँ बच्चों को जितना हो सके उतना वैसे ही रहना चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं बनना चाहिए। आपने सबसे ज्यादा गेम बचपन में कौन सी खेली थी, आपकी सबसे फेवरेट? मैंने वो एक बॉल आता है जो 7 समथिंग उस पे मारते हैं, वो खेली, क्रिकेट खेला है, सारे लड़कों के गेम्स जो होते हैं ना वो खेले मैंने ज्यादातर। चलिए, आज खास पर कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप विश करना, विश कर दीजिए। हाँ, विश कर दीजिए। हैप्पी 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 चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू, बी बच्चा। थैंक यू। सुनते हैं, दिल तो बच्चा है जी। आपका सच में खेलने कूदने उछड़ जाने का मन करता है ये गाना सुनने के बाद? आई थिंक ये सॉन्ग जो एज में ज्यादा है उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, अब दिल तो बच्चा है जी, बिकॉज हम तो ऑलरेडी बच्चे हैं अभी तक दिमाग से भी। ओके, थैंक यू।